ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। शहडोल जिले के ब्योहारी में निर्माणाधीन रीवा अमरकंटक मार्ग में मुरुम अनलोड करते समय ट्रक दुकान के सामने पलट गई, जिससे दुकान और मकान को लाखों का नुकसान हुआ और दुकान के कर्मचारी बाल बाल बचे। इस मामले की शिकायत ब्योहारी थाने में दर्ज कराई गई है। ब्योहारी में रीवा अमरकंटक मार्ग में MPRDC के तहत गावर कंपनी द्वारा सड़क निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान मुरुम गिराते समय एक हाईवा दुकान के सामने पलट गई, जिससे दुकान का शटर, छज्जा सहित दुकान को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कंपनी सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रख रही है। यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होती रहती है, सड़क में ना पानी डलता है ना कुछ, धूल मिट्टी सब उड़ती रहती है। अभी परसों यहीं पे एक गेहूं से लदा हुआ FCI जो गेहूं होता है वो ट्रक पलटा हुआ था। कल वो निकला तो रात्र में ये ट्रक पलट गया। मेरी बगल में कंप्यूटर दुकान है, केसरवानी टायर हाउस के बगल में। मेरी भी दुकान का शटर टूट गया है, खुल नहीं रहा है। रेलिंग देख रहे हो आप लोग, रेलिंग भी टूटी हुई है, जिसका आज तक अभी तक किसी ने मुआयना नहीं किया, ना कोई शासन प्रशासन का आदमी आया जिसने, और जो कंपनी के ठेके लिए हैं जो भी हैं GM या PM वो भी अभी तक नहीं आए। क्या चाहते हैं आप लोग? ये ट्रक उठे और हमारा सामान मुआवजा मिले और हमारा रिपेयर हो सब कुछ। ब्योहारी के में जो अभी रोड निर्माण कंपनी है, ये कल आज सुबह 6:30 बजे करीब रोड फिलिंग का काम कर रही थी, जिस पर गुप्ता टायर्स वालों के यहाँ रोड फिलिंग करते हुए ट्रक पलट गया और उससे उनके दुकान पे काफ़ी क्षति पहुँची है। कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट पर थाना ब्योहारी में 279/427/184 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर, कंपनी खराब कार्रवाई की जाएगी? वर्तमान में अभी ड्राइवर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसकी लापरवाही के विरुद्ध भविष्य में जैसे तथ्य आएंगे अपराध विवेचना में शामिल किया जाएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।